हास्य रस का कवि हूं देखिए हास्य के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता सर हास्य हमारे आसपास ही बिखरा होता है एक कवि सम्मेलन में मैंने जैसे ही कविता पाठ आरंभ किया एक गधे ने रेंकना शुरू कर दिया तो मैंने आयोजक को बुलवाया मैंने कहा इस गधे का रेंकना बंद करवाइए आयोजक बोला वो भी तो यही कह रहा है कहीं से भी हास्य मिल जाता है अभी मैं आ रहा था रास्ते में एक बच्चा रो रहा था तो मैंने उसको पूछा बेटा क्यों रो रहे हो बोले मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है मैंने कहा कौन है तुम्हारा बाप वो बोला इसी बात पे तो हो रहा है अभी मेरा एक भिखारी से झगड़ा होते होते बचा भिखारी कैसे सूरत के बोले दस रुपए दे अभी मैंने कहा किस बात के बोला चाय पीऊंगा मैंने कहा चाय तो पांच रुपए की आती है वो बोला मेरी गर्लफ्रेंड भी पिएगी अबे मैंने कहा शर्म नहीं आती भिखारी होते हुए भी गर्लफ्रेंड पाल रखी है वो बोला उसके चक्कर में तो भिकारी बना हूं आदमी सोचता कुछ है निकलता कुछ और ही है अभी मैं अपने दोस्त के घर गया तो वो रो पीट रहा था मैंने कहा क्या हो गया बोला मेरी बीवी गुम हो गई तो मैंने कहा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा बोला पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा मैंने कहा क्यों बोला पिछली बार मेरा स्कूटर गुमा था इन्होंने एक हफ्ते चलाया अभी मैं इलाहाबाद गया तो वहां भी एक बाबा थे नागा बाबा आप सभी जानते होंगे ना भी जानते हो तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूंगा नंग बाबा उनसे सब आशीर्वाद मांग रहे थे कोई कह रहा था बंगला दे दे कोई कह रहा था गाड़ी दे दे तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने उससे कहा मैं कवि हूं मेरी चार कविताएं सुन ले वो बोला मैं नागा बाबा नहीं हूं मैं नहाने आया था किसी ने मेरे कपड़े चुरा लिए आदमी सोचता कुछ है निकलता कुछ और ही है थोड़ी देर के बाद एक असली के नागा बाबा वहां प्रकट हुए तो हम सब उनके पास गए तो जिन भाई साहब के कपड़े चोरी हुए थे उन्होंने नागा बाबा से कहा नागा बाबा मैं नहाने आया था किसी ने मेरे कपड़े चुरा लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मेरे कपड़े वापस मिल जाएं तो नागा बाबा बोले अगर कपड़े वापस दिलवाने का आशीर्वाद मेरे पास होता मैं क्या बेवकूफ था जो नागा बाबा बनता महंगाई के लिए कमेंट पढ़ता हूं बहुत अच्छी जनता है आपके बीच में पढ़ने का मन कर रहा है बड़ा नया कमेंट मैंने लिखा है ये महंगाई क्या हो गई है पिछली बार जब 108वीं बार इस सरकार ने पेट्रोल के जब दाम बढ़ाए तो मैं पंप पे गया और मैंने पेट्रोल पंप वाले से कहा कि दस रुपए का पेट्रोल दे वो बोला भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हैं दस रुपए में तो ये गाड़ी सौ मीटर भी नहीं चल पाएगी अबे मैंने कहा किसे चलानी है तू तो दस रुपए का ऊपर से छिड़क दे मुझे आग लगानी है अब मंच पे ये लोग अभी जो थे हाँ वो गायब हो गए हैं ये हम लोग जो है ना सर फ्रीलांसर की श्रेणी में आते हैं और फ्रीलांसर उसे कहते हैं जो हफ्ते में दस दिन फ्री रहे को कल भी समझ में आ सकती है पिछले दिनों मैं और मेरे कवि मित्र कुछ ज्यादा ही फ्री थे हमारे पास कवि सम्मेलन ही नहीं थे तो हमने सोचा किसी नौकरी के लिए अप्लाई करें तो हम दोनों को इंटरव्यू का कॉल आया मेरे दोस्त का नंबर पहले था वो अंदर गया बाहर आया तो मैंने उससे पूछा भाई क्या पूछ रहे हैं तो बोला घबरा मत नवनी तीन ही सवाल पूछ रहे हैं पहले तो ये पूछ रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो बता देना डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरा ये पूछ रहे हैं कि भारत को आजादी कब मिली तो उसका भी सरल सा उत्तर है कि अठारह से कोशिशें शुरू हुई और उन्नीस में जाके सफलता मिली और तीसरा ये पूछ रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर पानी है तो उसका भी गोल मटोल सा उत्तर है कि वैज्ञानिकों का तो यही मानना है लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर सका मैंने सवाल जवाब दोनों रट लिए अंदर गया इतना हड़बड़ाया हुआ था मैं कि जवाब तो मुझे सारे याद रह गए प्रश्न सारे भूल गया अब प्रश्नकर्ता ने मुझसे पहला प्रश्न किया बोले आपका नाम मैंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरु कब पैदा हुए मैंने कहा अट्ठारह से कोशिशें शुरू हुई उन्नीस में जाके सफलता मिली बोले क्या आप पागल हैं मैंने कहा वैज्ञानिकों का तो यही मानना है लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर सका एक कुकर कहीं से सीटी मार रहा है उसकी मानसिकता को प्रणाम करते हुए मैं एक कमेंट याद आ गया मैं और पढ़ता हूं आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं कि मार्केट में सर यह अफवाह है कि महिलाओं का दिल बहुत बड़ा होता है और पुरुषों का बहुत छोटा होता है मैं कहता हूं नहीं ऐसी बात नहीं है पुरुषों का दिल बहुत बड़ा होता है अगर मेरे इस कमेंट से आप बात आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मुझे मिले मैं कहता हूं पुरुषों का दिल बहुत बड़ा होता है आप सोचिए कि ट्रेन के एक भीड़ भरे डब्बे में एक अपरिचित महिला पुरुष अगल बगल में यात्रा कर रहे हैं पुरुष रात भर का थका हुआ है उसे नींद आ जाए और गलती से उसका सर बगल वाली महिला के कंधे से जा लगे तो महिला क्या करेगी उसको जितनी गालियां याद हैं पुरुष को समर्पित कर देगी अड़ोसियों पड़ोसियों को मुलवा कर उसका मुंडन भी करवा सकती है यह होती है महिला और यह होता है उसका संकुचित हृदय अब आप सोचिए कि ट्रेन के एक भीड़ भरे डब्बे में एक अपरिचित महिला पुरुष अगल बगल में यात्रा कर रहे हैं महिला रात भर की थकी हुई है उसे नींद आ जाए और गलती से उसका सर बगल में बैठे पुरुष के कंधे से जा लगे तो पुरुष क्या करेगा अरे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अहमदाबाद चला जाएगा पर कंधा नहीं लाएगा निखिल भाई विशेष प्रसन्न है इस बात से मैंने आपके लिए पढ़ी सर सच्ची आपके लिए पढ़ी अब पेमेंट थोड़ा और बढ़वा देना